हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमित आ गया हूँ आज एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक पे लेके। तो आप सभी लोग का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो आज टॉपिक ये है कि क्या BS6 सेकेंड फेज का आने से स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी पे, स्कॉर्पियो एन पे या फिर पूरे ऑटोमोबाइल मार्केट पे क्या असर पड़ने वाला है, स्पेशली स्कॉर्पियो एन पे, और जिनकी इंट्रोडक्टरी है उन पे क्या असर पड़ने वाला है, जिनकी नॉन इंट्रोडक्टरी है उनके लिए क्या असर पड़ने वाला है, इंट्रोडक्टरी वालों के लिए क्या खुशखबरियां हैं, क्या गुड न्यूज़ है, ये हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा। जिनकी इंट्रोडक्टरी है उनके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो है, जिनकी नॉन इंट्रोडक्टरी है उनके लिए भी बहुत यूज़फुल वीडियो है। तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके सब्सक्राइबर से बहुत मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मुझे क्या अपनी वीडियो में इंप्रूवमेंट करना चाहिए और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं BS6 की। BS6 होता क्या है? तो इसे बोलते हैं भारत स्टेज ग्रुप एक है, मतलब पहले BS1, BS2, BS4 तक था, उसके बाद डायरेक्ट BS5 के बाद BS5 को बीच में रोक करके BS6 ला दिया गया था। तो ये चीज़ होती है पॉल्यूशन कम करने के लिए, इंजन में जो चीज़ें होती हैं, चेंजेस होती हैं कि जिससे आपके पॉल्यूशन कम होते हैं। और इस बार अब लाया गया है BS6 फेज 2, जिसको आप ये भी बोल सकते हैं रियल ड्राइव एमिशन नॉर्म्स। BS6 सेकेंड फेज में, ये BS6 7 है। BS6 सेकेंड फेज है क्या? जैसे कि आप जानते हैं BS6 फर्स्ट फेज जब आई थी तो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के दाम काफ़ी बढ़ गए थे और बहुत सारे चेंजेस आए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़े थे। और BS6 सेकेंड फेज के प्रॉब्लम्स अभी भी आते हैं, वो डीजल हो या फिर पेट्रोल हो, क्योंकि BS6 जब उस समय चेंज हुई थी तो बहुत जगह गाड़ियाँ, जैसे ऐसे नहीं आप कहीं भी खुलवा के बनवा सकते हैं, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती थी। अभी भी वो चीज़ों में काफ़ी सुधार आया है। BS6 सेकेंड फेज आपका 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। जितनी भी आपको डीजल गाड़ियाँ मिलेंगी, पेट्रोल गाड़ियाँ मिलेंगी, वो सभी BS6 सेकेंड फेज से ही मिलेंगी आपको अप्रैल से। वैसे कुछ कंपनियां तो अब से ही अपनी गाड़ियां देने लगी हैं, जैसे कि टाटा की सफारी, टाटा की हैरियर, टाटा की पंच, ये सब आपको BS6 सेकेंड फेज में मिलने लगी हैं। इसीलिए स्कॉर्पियो एन की भी डिलीवरी लेट हुई है, क्योंकि उन्होंने तो डिलीवर करने के लिए मार्च, जैसे Z6 आपकी है, मेरी अपनी बुक है और बहुत सारे लोग की कई वेरिएंट बुक है, तो उन्होंने जैसे कि हम लोग को डिलीवरी दी थी, कुछ लोग को फरवरी में और मार्च में दिया था, बट उनको ये लगा कि 1-2 महीने की वेटिंग इधर उधर होगी, इससे अच्छा आप क्यों ना थोड़ी सी वेटिंग एक्सटेंड करके सबको BS6 सेकेंड गाड़ियाँ दे दें। तो ये था। तो आगे देखते हैं इससे आने वाले प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। इससे पहला प्रॉब्लम ये है कि आपके गाड़ी के दाम काफ़ी बढ़ जाएंगे। आप मान के चलें कि 10 से 30% के आसपास आपको गाड़ियों के दाम इंक्रीजेस हो जाएंगे। बहुत सारी डीजल गाड़ियां बंद हो जाएंगी, आपकी गाड़ियों की सर्विसिंग थोड़ी सी महंगी हो जाएगी। मे भी हो सकता है, अगर आप BS6 की स्टार्टिंग में गाड़ी लेते हैं तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम फेस करने के लिए भी मिले, क्योंकि अभी वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग आएगी तो लोगों को पता भी नहीं है ना कि क्या प्रॉब्लम्स आएंगे और क्या चीज़ें नहीं। तो हो सकता है मे भी आपकी गाड़ी में भी प्रॉब्लम्स आए और बनाने में भी थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, थोड़ी सी परेशानियां होंगी। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या उससे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट्स आपको वो पॉल्यूशन को लेकर के हो रहा है, उसके बाद आपकी इंजन रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी हो जाएगी, गाड़ियों में वाइब्रेशन कम हो जाएगा, इंजन आपके साइलेंट हो जाएंगे, ऐसी सारी आपको काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी BS6 सेकेंड फेज में। बहुत सारी परेशानियाँ भी और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आपको सेकेंड फेज में देखने के लिए मिलेंगी। तो अब बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो एन, स्पेशली स्कॉर्पियो एन पे क्या असर पड़ने वाला है और इंट्रोडक्टरी वालों के लिए क्या खुशखबरी की बात है। इंट्रोडक्टरी वाले के लिए खुशखबरी ये है कि महिंद्रा ने बोला है जिनकी भी गाड़ी इंट्रोडक्टरी में होगी उनको जो स्टार्टिंग में जो प्राइस रिलीज हुई थी उसी प्राइस पे आपको गाड़ी मिलेगी। वो चाहे BS6 सेकेंड फेज में गाड़ी दें, वो उनकी गाड़ी 1.5 से 1 लाख रुपये महंगी हो जाएगी तब भी, बट आपको उसी प्राइस में मिलेगी। तो ये इंट्रोडक्टरी वालों के लिए बहुत अच्छी सी बात है और ये कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए, भले ही हमें गाड़ियाँ लेट मिलेंगी बट हमें गाड़ी अच्छी मिलेंगी और हमें काफ़ी कम प्राइस में मिलेगी। और सुनने के लिए ये भी आ रहा है कि जितनी भी SUV गाड़ियाँ होंगी, 7 सीटर SUV जितनी भी होंगी, उसमें गवर्नमेंट के रूल ये हैं कि आपको 6 एयरबैग कंपलसरी कर दिए गए हैं, और जितनी 5 सीटर गाड़ियाँ होंगी उसमें 4 एयरबैग कंपलसरी कर दिए गए हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या ये भी रूल्स फॉलो होते हैं या फिर नेक्स्ट ईयर से ये फॉलो होंगे। तो अभी ऐसी बात तो सुनने सुनने में आ रही है। तो ये था आपका BS6 सेकेंड फेज को लेकर के छोटा सा वीडियो, स्पेशली स्कॉर्पियो एन वालों के लिए, और इंट्रोडक्टरी वालों के लिए काफ़ी स्पेशली था क्योंकि वो उनकी गाड़ी काफ़ी टाइम की बुक है, 8 महीने हो गए बुकिंग्स किए हुए, काफ़ी लंबा वेटिंग हो गया, तो कुछ तो एडवांटेज मिलने चाहिए।
तो भगवान ने भी यही चाहा कि नहीं, आपको कुछ तो एडवांटेज मिलेंगे। तो आपकी कम से कम अभी आपको मान के चलिए कि अप्रैल के बाद 1 से 1.5 लाख रुपए गाड़ियों की बढ़ने वाले हैं, स्कॉर्पियो वन पे मिनिमम 1 लाख रुपए बढ़ने वाले हैं, क्योंकि वाइब्रेशन कम करने के लिए चीज़ें लगेंगी और इंजन रिफाइनमेंट हो जाएगा, इंजन साइलेंट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को कम करने के लिए, BS6 इंजन बनाने के लिए सेकेंड फेज की, तो आपको चार्जेस तो एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ेगा कंपनी को। तो इसलिए आपकी गाड़ियाँ आपको पुराने वाले रेट पे मिलेंगी। हाँ, बट जो नॉन इंट्रोडक्टरी वाले हैं उनको गाड़ियाँ जिस टाइम डिलीवर होगी उस टाइम जो अप्लीकेबल प्राइस होगी उसी रेंज पे आपको गाड़ी मिलेगी। तो इंट्रोडक्टरी वालों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। और कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि कितनी कितनी प्राइस इंक्रीज हो जाएंगी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले दिन जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर यहाँ तक देख लिया है तो। वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको यूजफुल लगी वीडियो तो प्लीज़ आप आगे शेयर करिएगा। मिलते हैं कल किसी इसी तरह के नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।